नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत चीन के बीच चौथी कूटनीतिक बैठक। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार को दिया झटका। पाकिस्तान की असलियत फिर आई सामने। जानिए भाजपा पर क्यों भड़की शिवसेना। चीन पर फिर शिकंजा कसने की तैयारी में अमेरिका। रिकवरी रेट बढ़ा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को घेरा। हिमाचल में मास्क न पहनने पर 500 से 5000 रुपए तक का लगेगा फाइन। अब दिव्यांगजन भी होंगे सस्ते अनाज के हकदार। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए हमारे न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके। अपडेट को चलिए शुरू करते हैं। एलएसी पर भारत चीन सीमा मामले के बीच आज दोनों देशों के मध्य चौथी बार कूटनीतिक स्तर की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य ध्यान मामलों को समाप्त करने पे होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विघटन और डी एस्केलेशन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में सजा के खिलाफ अपील करने के सारे कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले की अनदेखी है बल्कि इससे एक बार फिर पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने आ गई है। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने की मांग पर शिवसेना ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों ने अमरनाथ की यात्रा बंद की वे अब महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, ये भाजपा की दोहरी नीति है। भारत में कोरोना के मामलों का लगातार बढ़ना जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 49,310 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 12,87,945 हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि देश में अब तक कोरोना के 8,17,209 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता पर उठ रहे सवालों पर आखिरकार विराम लग गया है। दरअसल भक्तों और संतों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मॉडल के डिजाइन को नए सिरे से अंतिम रूप दे दिया गया है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी अंतिम मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि नए लेआउट के तहत तो मंदिर पहले से अधिक भव्य बनेगा और इसमें 5 नहीं बल्कि आसमान छूते हुए 6 शिखर होंगे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर जानकारी दी है, जिसके तहत 26 और 27 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में झमाझम बारिश होने की संभावना है। एयर इंडिया ने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाने वाली अन्य एयरलाइनों की तरह इसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। गौरतलब है कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को घोषणा की थी कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न आर्थिक मामलों के चलते वो अपने 10% कर्मचारियों को हटाएगी। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोरोना के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिरकर 0 से 6 से 9% तक नीचे जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि सही नीतियों पर अमल किया गया तो आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में वापस उछल सकती है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस कानून के अनुसार नहीं बल्कि सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। साथ ही राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी से समय निकालने और इस मामले पर उनसे बात करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यों, राज्यपालों आदि से कहा है कि यदि वे सार्वजनिक आयोजन से बचें और समारोह के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। आपको बता दें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम में भी बहुत कम मेहमानों को न्योता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी में रिक्त पदों की स्थिति को हैरान करने वाला बताते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वो अगले 6 महीने में सारी रिक्तियों को एक ही बार में अधिसूचित करे। बताया जा रहा है कि एनजीटी में अभी करीब 14 पद रिक्त हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण के बाद संसद के उच्च सदन के विभिन्न विभाग संबंधी स्थायी समितियों का सदस्य नामित कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को शहरी विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। अब देश के सभी दिव्यांगजन भी सरकार से मिलने वाले सस्ते अनाज के हकदार बन गए हैं, क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि वैसे सभी दिव्यांगजन जो सरकार से सस्ता अनाज लेने के इच्छुक हैं, वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसका लाभ ले सकेंगे।
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी हलचल पर राजस्थान उच्च न्यायालय से सचिन पायलट गुट को राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने याचिका को सही माना है और स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। यानी स्पीकर पायलट खेमे पर फिलहाल कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य की बीजेपी जजपा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। आपको बता दें कि चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामले के मंत्री भी है। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 2 में लापरवाही से घूमना अब भारी पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के 8 जिलों में कोविड-19 के नियमों में सख्ती करते हुए आज से मास्क न लगाने और ढंग से मुंह और नाक न ढकने वालों पर 500 से 5000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के संघीय व्यवस्था को निरंतर कमजोर किया जा रहा है और जिन प्रांतों में केंद्र सरकार से प्रतिपक्षीय सरकारें हैं उन्हें अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। इसके अलावा भी कमलनाथ ने पत्र में कई बातों का जिक्र किया है। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अमेरिका स्थित एक प्रवासी भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि राम मंदिर निर्माण में दुनिया भर के प्रवासियों को योगदान देने की अनुमति प्रदान करें। अमेरिकी एक्टिविस्ट और जयपुर फुट यूएसए के प्रमुख एम भंडारी ने कहा कि करीब 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और उनमें से ज्यादातर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में योगदान करना चाहते हैं। कोरोना को लेकर चीन से नाराज चल रहा अमेरिका चीन को यूएस डॉलर सिस्टम से बाहर निकालने या उसके एक्सेस में कटौती करने की योजना बना रहा है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के संभावित कदम को लेकर बीजिंग सोच में पड़ गया है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।